शुरू करने से पहले जो फ्रेंड्स नए हैं इस चैनल पर, लेटेस्ट अपडेट आसानी से पाने के लिए सब्सक्राइब करें नीचे दिए इस लाल निशान पर क्लिक कर और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पार्ट वन से एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई है। दोस्तों, इस बार जिन्होंने 12th पास किया और नामांकन के लिए इच्छुक हैं उनके लिए एक खास खबर है। दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया चालू होने की तिथि और सत्र चालू होने की तिथि। तो देखें दोस्तों, और बिहार में कहां कहां एडमिशन प्रक्रिया चालू हो गई है उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो जैसा कि आप हेडिंग लाइन देख करके ही समझ गए होंगे, पार्ट वन में अपने स्तर से नामांकन लेगा विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इस तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे नीचे दिए लाल निशान पर क्लिक करके, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे आसानी से। तो देख सकते हैं दोस्तों, 232,365 सीटों पर होगा नामांकन। तो इस बार ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में 232,365 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन आई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन स्नातक प्रथम खंड 2019-22 इस वर्ष जो प्रथम खंड में नया एडमिशन चालू होगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। विश्वविद्यालय ने इस आशय का पत्र राजभवन को भेजकर अनुमति मांगी है। राजभवन से अब तक जवाब नहीं आया, तो प्रथम खंड से नामांकन के लिए राजभवन से यूनिवर्सिटी को प्रक्रिया पूरी करनी होती है, मांगना होता अनुमति एडमिशन के लिए। जवाब नहीं आने की चिंता भी विश्वविद्यालय को नहीं है, क्योंकि राजभवन ने ही पत्र लिखकर विश्वविद्यालय को पूछा था कि वह स्वयं नामांकन प्रक्रिया शुरू करेगा या नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये नामांकन प्रक्रिया शुरू करेगा या नहीं करेगा इसकी अनुमति राजभवन ने क्यों दिया है दोस्तों? तो इसका जवाब यहाँ है दोस्तों, क्योंकि पिछले वर्ष राज्य स्तरीय प्रक्रिया जो OFSS के माध्यम से, जो पोर्टल के माध्यम से पूरी यूनिवर्सिटी का, बिहार के पूरे यूनिवर्सिटी का एडमिशन हुआ था, उसमें फेल्योर हो जाने के कारण, उस प्रक्रिया में काफ़ी त्रुटि होने के कारण अब विश्वविद्यालय को राजभवन के द्वारा सूचना दिया गया था कि एडमिशन खुद से ही लेना है। तो जैसा कि पटना यूनिवर्सिटी और पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया चालू भी हो गई दोस्तों, तो विश्वविद्यालय ने स्वयं एडमिशन लेने की निर्णय लिया है। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे क्या है देरी का वजह। नया सत्र जुलाई में शुरू होता है, जुलाई में शुरू होता है नया सत्र, इसलिए विश्वविद्यालय को नामांकन में कोई भी अभी जल्दीबाजी नहीं। केंद्रीय बोर्डों और CBSE के बोर्डों का अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ, क्योंकि उनको भी इसमें एडमिशन लेने की भागीदारी होती है दोस्तों। मध्य मई में रिजल्ट जारी होने की संभावना है, तो ये केंद्रीय बोर्ड और CBSE बोर्ड का मध्य मई में रिजल्ट जारी होने की संभावना है। नामांकन प्रक्रिया सभी बोर्डों के छात्र शामिल होते हैं, तो इसमें सभी बोर्डों के स्टूडेंट शामिल होते हैं। तो बता दो दोस्तों, एडमिशन प्रक्रिया आप समझ सकते हैं कि जुलाई से शुरू होता है विश्वविद्यालय में नया सत्र, तो मई में शुरू हो सकती है नामांकन प्रक्रिया। तो आप समझ सकते हैं कि मई से जून तक में एडमिशन प्रक्रिया चालू हो ही जाएगी और जुलाई से नया सत्र स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मई से जून तक में एडमिशन चालू हो जाएगा। क्योंकि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी काफ़ी अभी तेज गति से काम कर रही है, सभी परीक्षा से रिलेटेड या नामांकन प्रक्रिया से रिलेटेड, तो लेट नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही एडमिशन का डेट और प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको इसी यूट्यूब के माध्यम से देता रहूँगा। तो अगर आप भी चाहते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाना, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जैसे ही यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्फॉर्मेशन जारी कर दिया जाएगा एग्जैक्ट डेट और प्रक्रिया, किस प्रक्रिया के माध्यम से एडमिशन होगा, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा।